टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। दोस्तों, रशिया और यूक्रेन के बीच वार चल रहा है, ये हम सभी जानते हैं। काफ़ी दिनों से वार चल रहा है, हम देखते आ रहे हैं। और जो भी नेटो कंट्री है दोस्तों, नेटो कंट्री ने रशिया से पूरी तरह से रिश्ता तोड़ दिया। हर एक चीज़ पे रशिया का जो है बैन लगा दिया, चाहे वो फाइनेंशियली हो या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो, हर एक चीज़ पे, फॉरेन ट्रांजेक्शन हो, सब कुछ पे जो है नेटो कंट्री ने बैन लगा दिया। नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि रशिया को सपोर्ट नहीं करते हैं, यूक्रेन को सपोर्ट करते हैं। और यूक्रेन जो है दोस्तों रशिया से लड़ रहा है, और रशिया यूक्रेन के ऊपर लगातार जो है दोस्तों अटैक कर रहा है। अब दोस्तों यूट्यूब जो है रशियन गवर्नमेंट की ओर से, रशियन पॉलिटिशियन की ओर से, यूट्यूब दोस्तों अंडर प्रेशर पे है, बहुत ज़्यादा प्रेशर पे है यूट्यूब। अभी यूट्यूब क्या करेगा, यही क्वेश्चन है। तो क्या प्रेशर में है दोस्तों, ये मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, यूट्यूब जो है एक वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे वीडियो अपलोड किया जाता है। हर एक कंट्री पे जो है दोस्तों यूट्यूब है, और यूट्यूब में लोग वीडियो अपलोड करते हैं, जो भी चीज़ हो उस चीज़ का वीडियो अपलोड करते हैं। और ऐसे में अभी जो रशिया और यूक्रेन का जो है वार चल रहा है, इन सभी चीज़ों पर दोस्तों लोग वीडियो बना रहे हैं रशिया के अगेंस्ट, क्योंकि रशिया ने पहले ही सही नहीं किया, यूक्रेन के ऊपर अटैक किया। सभी लोग देख रहे हैं, सबसे पहले रशिया ने अटैक किया, और अभी जो है लोग यूट्यूब के द्वारा वीडियो बना के रशियन जो सिटीज़न हैं, रशियन सिटीज़न को थ्रेट पहुंचाया जा रहा है, रशियन गवर्नमेंट को थ्रेट पहुंचाया जा रहा है। मतलब पूरी तरह से पूरे वर्ल्ड से लोग रशिया को धमकी दे रहे हैं कि आप जो है वार को बंद करें, ऐसा सही नहीं है, ये चीज़ गलत कर रहे हैं। और सभी कंट्रियाँ जो है अभी यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। एलोन मास्क दोस्तों बहुत बड़े रिचेस्ट मैन है पूरे वर्ल्ड के, स्पेस एक्स, टेस्ला के फाउंडर है, वो भी अभी जो है यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। और यूट्यूब दोस्तों अभी प्रेशर में है। रशिया ये चाहता है कि यूट्यूब में जो भी रशिया के अगेंस्ट वीडियो बनाया जा रहा है, इस चीज़ को यूट्यूब जो है बंद करें। और यहाँ पे बीच में गूगल ने भी दोस्तों एक मैसेज दिया कि जो भी थ्रेट पहुँचाया जा रहा है यूट्यूब के द्वारा रशियन सिटीजन के ऊपर, इस चीज़ को थ्रेट को जो है बंद करें, धमकी देना बंद करें। और दोस्तों यूट्यूब प्रेशर पे इसलिए है क्योंकि देखिए, एक रशिया की वजह से अगर यूट्यूब इन चीज़ों पे अगर बैन लगा देता है कि अगर रशिया को लेकर, रशिया के सिटीजन को लेकर अगर कोई भी कोई वीडियो अपलोड करता है, तो उस वीडियो को जो है रेस्ट्रिक्टेड कर दिया जाएगा, इस या उस वीडियो को जो है बैन कर दिया जाएगा। तो अगर ये यूट्यूब करेगा तो एक रशिया की वजह से पूरे कंट्री से जो है यूट्यूब का जो रिचनेस है, पॉपुलरनेस है, वो चला जाएगा। तो अभी यूट्यूब क्या करेगा, अभी यूट्यूब बहुत ज़्यादा प्रेशर पे है, और रशिया भी दोस्तों अभी बहुत ज़्यादा प्रेशर पे है, क्योंकि अगर यूट्यूब को रशिया ने बैन कर दिया तो जो भी इन्फॉर्मेशन देना है बाकी लोगों को, बाकी वर्ल्ड के लोगों को जो भी इन्फॉर्मेशन देना है, तो वो कैसे पहुँचाएँगे, क्योंकि सभी लोग टीवी नहीं देखते, सबके पास, सबके घर में जो है टीवी नहीं होता है, सभी लोग जो है मोबाइल पर ही देखते हैं। और रशिया क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, क्या अपडेट पहुंचा रहा है, ये भी जो है यूट्यूब के द्वारा ही लोग देखते हैं। अब ऐसे में रशिया जो है यूट्यूब को बैन नहीं कर सकता, और यूट्यूब जो है अभी इस चीज़ को बंद नहीं कर सकता, मतलब रेस्ट्रिक्टेड नहीं कर सकता जो भी थ्रेट पहुंचाया जा रहा है रशियन सिटीजन के ऊपर, क्योंकि अगर ऐसे करेगा तो यूट्यूब का जो है पॉपुलरनेस, रिचनेस जो है वो पूरी तरह से चला जाएगा। और दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या यूट्यूब की ओर से वीडियो को बैन करना चाहिए, जो भी रशिया के अगेंस्ट बोलते हैं, ठीक है, जो भी वीडियो अपलोड करते हैं, उस वीडियो को रेस्ट्रिक्टेड कर दिया जाए, या उस वीडियो को डायरेक्ट डिलीट कर दिया जाए, क्या यूट्यूब को ये करना चाहिए, या जैसे चल रहा है लोग जो है यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है उसी चीज़ को रहने देना चाहिए, और रशिया के अगेंस्ट बोलना चाहिए, आपको क्या लगता है दोस्तों यूट्यूब को किस तरफ जाना चाहिए। तो यूट्यूब दोस्तों इस वजह से प्रेशर में है। और आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, आपको ये जानकारी कैसा लगा दोस्तों, आप नीचे कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजिकल वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।